चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। चिरमिरी में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भाजपा ने धरना दिया। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास विरोध प्रदर्शन में मुख्य तौर पर शामिल हुए। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल कोयला और कबाड़ चोरी करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला किया है। जनता को विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाना होगा। भाजपा के धरना प्रदर्शन में पूर्व संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह और जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का ये कार्यक्रम दो प्रकार का था। पहला तो हमारी नारी शक्तियों के द्वारा महिला मोर्चा के जो मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता हैं उनको द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करना था, क्योंकि 33% आरक्षण की सौगात उन्होंने दिया है। इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के सामने उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। दूसरा कार्यक्रम जो हमारे निरंतर इस भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल की सरकार और भ्रष्ट विधायक इस विधानसभा के उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आंदोलन सभा था, उस पर सभी क्षेत्रों के लोगों ने मनेन्द्रगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों ने आज इसमें शामिल हुआ। लेकिन 5 साल में कांग्रेस पार्टी ये बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को कलंकित और बदनाम करने का काम। छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश सीधे सारे ईमानदार प्रदेश आज दुनिया में छत्तीसगढ़ को माफिया राज के नाम से जाना। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री इस राज्य की राजस्व का खुलेआम चोरी करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो प्राकृतिक संसाधन कोयला, आज उस कोयले का चाहे महेंद्रगढ़ हो चाहे कोरबा हो, हर जहां जहां कोयला है, कोयला की चोरी कराकर कोयला में कमीशन 25 रुपया टन लेने का काम